जो है बहुत मोटा कर दिया हमने, उसको पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बट निकाल के तो चूल्हे का जो टेस्ट होता है काफी टेस्टी होता है, तो पता ही आपको। तो आप लोग ट्राई मत करना ज्यादा अगर शहरी इलाके में रहते हो तो। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं दाल चावल, और वो भी खुद से। तो ये जो सीढ़ी रखी हुई है इसका यूज करेंगे आग जलाने में। ईंट लगाओ यहाँ, सीढ़ी से ही जो है ना खाना बनने वाला है। आज यही बनेगा, आज हम कहीं नहीं जा रहे खरीदने के लिए। हाँ। आज अपना हैंडमेड में तो इतने में बन जाएगा ना। अभी हम लाए हैं थे नीचे से मट्टी, और मट्टी में भी डाल रहे हैं पानी, और इसको हम करने वाले हैं पूरे गांव के तरीके से। इसके ऊपर एक बर्तन के ऊपर लीपेंगे, तो हमारे राकेश जी लीपेंगे अभी। जैसा कि गांव में जो है मट्टी का वो बर्तन जो है काली ना हो, इसीलिए ये लेपा जाता है उसके ऊपर, बर्तन भी खराब ना हो और स्वादिष्ट भोजन भी बन जाए चूल्हे पे। तो गांव के लोग भी बहुत सही रहते हैं इस मामले में। तो आप लोग ट्राई मत करना ज़्यादा अगर शहरी इलाके में रहते हो तो। ये है अगर कहीं जंगल उंगल में जाते हो तो पिकनिक कर सकते हो, ये सब सेटअप ले जाके। चलो आप पकड़ के रखो, मैं लिपता हूँ। तो अभी हमारा ये हो चुका है कंप्लीट, पूरी मट्टी इस पे अच्छे से रखी है। अब इसको रख देते हैं धूप में सुखाने के लिए। तो अभी हम चलते हैं हाथों धो के, तो जो जो हमें सामान चाहिए सेटअप मसाला सारा सब लेके आते हैं। सारा चीज आ गया, बट और मसाले की जरूरत है, तो बट टेस्टी भी बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनाएंगे। एक तरह से हमारी प्रैक्टिस भी चल रही है कि अगर हम कहीं जाएं कैंपिंग के लिए पहाड़ों पे या जंगलों में, तो हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हम पहले से सब चीज ट्राई करके ट्राई कर रखे होंगे वो चीज, इससे ये फायदा होगा। और अभी जो है हमारा ये जलने वाला है, पूरे ब्लॉग में जो है बने रहिए। इसे जो है बहुत मोटा कर दिया हमने, उसको पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बट देखते हैं। जहाँ तक है अपने हिसाब से तो ठीक ठाक किया है। अभी पानी गर्म होने के लिए डाल दिया इसके अंदर, और जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए, थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद डालेंगे इसके अंदर चावल। अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, वैसे तो ठीक ठाक चल रहा है अभी तक। तो अभी देख लेते हैं पानी गर्म हुआ या नहीं हुआ। तो पानी थोड़ा बहुत तो गर्म हो गया है, पानी उबल के तैयार हो चुका है। अब डालने वाले हम चावल, ये है 1.5 किलो चावल, और इसके अंदर पानी है, हाफ पानी है। तो ये सारा अपने आप से ट्राई कर रहे हैं, हम देखते हैं कैसा बनता है। अभी इसे डालने से पहले थोड़ा सा धो लेते हैं, जिससे पूरा खोल चुका है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इसका कि देखा मैंने ऐसे करते हुए, थोड़ा ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, जिससे कि अग्नि देवता को भी चढ़ाया जाता है हल्का सा बनाने से पहले, उसके बाद जो है डाला जाता है। तो अभी आँच कितनी तगड़ी तरह कर दिया मैंने, लहका दिया। और ये जो देख सकते हो, ये जो जितनी दूर नहीं किया था ना मैंने, ये जो लेपा पोती जो होता है उसका मिट्टी का लेप नहीं लगाया था, वहाँ देख सकते हो कितना काला हो गया, बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, धुलने से हो जाएगा ठीक। और अभी जो है 15 मिनट हो चुका है मुझे, 10 मिनट शायद, और उसके बाद अभी देखते हैं हम चावल कितना तैयार हुआ है। हाँ भाई, थोड़ा सा कलर में फ़र्क तो आया है, हल्का हल्का कलर में फ़र्क आया है। तो इसको थोड़ा सा लार देते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा करछल चला देते हैं इसके अंदर, और देखते हैं कितना तैयार हुआ है। अभी बहुत, अभी देख सकते हो अभी कलर में हल्का सा फ़र्क आया है बस। गाइस, इसको भी देखते हैं कहाँ तक इसका पहुँचा, कितना हुआ क्या नहीं, अभी कच्चा है कि नहीं। और इसको हमने स्टार्ट किया था 10:30 बजे करीब,
और अभी हो रहा है 12:02, तो यानी कि हमारा 1.5 घंटा लग गया इसमें सिर्फ चावल चावल में। और अभी हम गैस बनाते हैं इसको, तो कुकर में तो एक आधो सीटी में तो हो ही जाता है, पर ये देख सकते हो चूल्हे में कितना टाइम लग रहा है। और ऐसे ही सेम जो गांव के लोग बनाते हैं उनको बहुत टाइम लग जाता है ऐसे ही। तो अभी भी चावल उतना सही से हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत और रह गया है, बाकी इसको डालते हैं अभी थोड़ा और लकड़ी उकड़ी। वैसे ही देखते हैं अभी कितनी देर में पकता है ये, तो थोड़ा बहुत और टाइम लेगा, उसके बाद आपको दिखाते हैं चावल निकाल के। तो चूल्हे का जो टेस्ट होता है काफ़ी टेस्टी होता है, तो पता ही है आपको। तो जब बन जाएगा पूरा वो अच्छे से तो आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसा लगेगा। तो अभी तो फिलहाल धुआं आ रहा है बहुत ज़्यादा, अभी बन जाएगा फिर दिखाते हैं आपको। आज फंस गया बहुत बुरी तरह। विशाल ने भी मेहनत किया है मगर वो ऊपर से कैमरे पे कर रहा है मेहनत, तो इधर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे रहा है। वैसे So guys, finally, जो हमारा जो चावल है वो हो चुका है रेडी। इसको बुझा लेते हैं। यार तैयार, जल्दी आओ इधर इधर आओ। अरे बाप रे, जो फसाया था वो बड़ा ईंट देना। ये जो है ये सबसे ज्यादा जो है पौष्टिक है, ये वाला जो अभी निकाल रहे हैं हम। गांव में जो है जब हम बहुत छोटे छोटे थे बचपन में ये खाया करते थे ये, क्योंकि चावल से ज़्यादा जो है ना एनर्जी इसके अंदर होती है। सो अगर चूल्हे पे बनाओ तो ये मिस मत करना, इसे फेंकना मत, इसे कोशिश करना कि पी जाओ। शहरी इलाकों में तो आप, वैसे शहर से ही हूँ मैं भी, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, गाँव की याद आ गई मुझे, तो ये तो मैं मिस करने वाला नहीं हूँ, ट्राई करूँगा कैसा बनाए। ओ भाई साहब, अभी भी लग रहा है इसके अंदर पानी छूट गया लग रहा है, थोड़ा और निकालने की कोशिश करते हैं। और बैकग्राउंड में देख सकते हो इसके क्या हालत हुई है इसकी। भाई सबसे पहले हाथ मारा इसने, ये इसे भी गांव की याद जो है पूरी पूरी है, और हम भी जो है गांव की याद ताजा करने वाले हैं। गांव वाला फील नहीं आया, वैसे अच्छा लग रहा है बट गांव वाला फील नहीं आ रहा। चावल जो है हमारा वो बन के हो चुका है तैयार, और जो दाल है जो वो नहीं बनाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अभी हमें चैलेंज भी करवाना है। तो फिर यार, तो फिर उसी के साथ जो है आपको दिखा दिया चावल बना के किस तरह, पूरा गाँव के सेटअप की तरह। तो अब कहीं जाते हैं टूर पे जंगल उंगल में, तो अभी तो हमारा न्यू ईयर का प्लान है, फिर जंगल में कैंपिंग करने का, इस तरह से खाना बनाएंगे, वहाँ भी शायद भूजेंगे चिकन व्यूकन ही, तो आपको दिख जाएगी वीडियो में। तो फिर ये वाला जो वीडियो फिर यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। चलो।